हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं दरिद्रत राय पश्चिम बंगाल से। दोस्तों बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जो है हम लोग आए हैं बाहर। अभी जो है हम लोग है दीघा बीच में, जो भी वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। तो 7 दिन का हमारा टूर है, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू था। तो जो भी हो दोस्तों, आज का वीडियो बेसिकली इसलिए भी बना रहा हूँ कि बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया। दूसरी चीज़ के कुछ मार्केट का अपडेट्स आपको दूंगा, जो कि कुछ कुछ दोस्त मेरा ऐसे भी है कि बोल हमेशा मैसेज पे बोलता है कि सर आप कोई नया वीडियो नहीं दे रहे हो। तो रिगार्डिंग आज का जो वीडियो रहेगा दोस्तों, मार्केट के बारे में होगा कि क्या हमको करना चाहिए, किस वजह से हम लोग जो है अच्छा पैसा बना सकते हैं, और किन किन चीज़ों से हम लोग को दूर रहना है, क्या हम लोग को MLM करना है या हमको जो है ये मार्केट को छोड़ देना है। ठीक है, इसका बहुत सारा रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं नज़ारा दिखा देता हूं आपको। पीछे बहुत सारा खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा लोग हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का है। तो दोस्तों सबसे पहला बात है कि जब मैं नया नया आया था इंडस्ट्री पर, तब दोस्तों दो टाइप का कंपनी बहुत ज़्यादा चलता था। एक तो है प्रोडक्ट मार्केटिंग, तब लगभग 10-12-15 मुझे जितना पता है कि कंपनीज थे और कुछ मनी सर्कुलेशन जैसे करते हैं, बाकी जो मनी मार्केटिंग जैसे हम लोग बोलते थे पहले, तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट था और आज भी है। दिक्कत ये है कि अभी जो है दोस्तों प्रोडक्ट मार्केटिंग में, अभी अगर देखा जाए 2019 में 4,000 से 5,000 के ऊपर जो है प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी आज के डेट पर है। तो बहुत कठिन है चूज़ करना कि कौन से प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम किया जाए और कौन से कंपनी को छोड़ दिया जाए, और प्रोडक्ट बेचना भी सभी को अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज़, मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, ये तो पहले भी थे, आज भी है, इन फ्यूचर भी रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्लान की बात मैं क्या करूँ दोस्तों, सभी को पता है कि आज के डेट पर इंडिया पर जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो मैक्सिमम 2 महीना 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल, वो भी बहुत रेयर केस में वो चलता है, बाकी बंद हो जाता है। मतलब क्या, बहुत सारे लोगों का लॉस। अभी इन्वेस्टमेंट प्लान में लोग क्यों आते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि क्विक मनी, शॉर्ट मनी, बहुत जल्दी इनकम और मैक्सिमम लालच सभी को है, मेरे को भी है, शायद आपको भी है, इसलिए आप लोग लगाते हैं। इसमें कोई किसी को मतलब दोष देना सही नहीं है, लेकिन दोस्तों बेसिकली देखा जाए कि लगभग 6 महीना 1 साल से मैक्सिमम कंपनी दोस्तों इंडिया में फ्रॉड करता है, कर रहा है। उससे अच्छा मेरे को ये लगता है कि भाई जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है वो काफ़ी टाइम तक टिकता है, लेकिन इंडियन प्रोग्राम मैक्सिमम भाग जाता है जल्दी से जल्दी। तो ये तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर क्या सोच के आप आते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, आज का वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि 1-2 वर्किंग प्लान कीजिए। जैसे मैं अभी ग्रीन ग्लोरी कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, 2500 रुपये में ज्वाइन करता हूँ, या आप किसी को ज्वाइन करते हो और उसके बाद वर्क करके अच्छा खासा जो है पैसा आप यहाँ पे डेली बेस पे बना सकते हो विदाउट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप चाहो भी तो नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी चीज़, लाइबिलिटीज़ फ्री, क्योंकि बहुत लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान में ये सोच के कि जिनका भी उनका मार्केट से उधार वगैरह है या बहुत सारा घर का तकलीफ होता है, मुझे पता है, तो वो सब जो है ना रहे और कुछ अर्निंग हो जाए अच्छा खासा शॉर्ट टाइम में, वो ये सब सोच के जो हम लोग आते हैं, लेकिन हो जाता है फ्लॉप प्रोग्राम, उसके बाद पैसा कंपनीज का ऑनर लेके चले जाते हैं, भाग जाते हैं और हाथ में कुछ नहीं रहता। ओके, तो 1-2 वर्किंग प्लान सर आपको करना है, नहीं तो सर ये मार्केट पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, इन फ्यूचर भी ऐसा ही रहेंगे। तो वर्किंग प्लान की बात करूं तो दोस्तों देखिए, वर्किंग प्लान में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, लाइबिलिटीज़ नहीं है, ये एक मेन मुद्दा है, क्योंकि लोग तो इन्वेस्टमेंट प्लान में बहुत अच्छा टीम बना लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन रिलेशन बहुत ख़राब होता है सर, और रिलेशन ही एक चीज़ है जो आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है। लेकिन जब आप किसी को इन्वाइट करते हो इन्वेस्टमेंट प्लान में, उसका इन्वेस्टमेंट तो जाता ही है, उसके बाद रिलेशन भी ख़राब होता है, नेक्स्ट प्रोग्राम में वो आपके साथ नहीं आते हैं।
तो जो भी हो एक एक मतलब हर एक लोगों लोग का हर एक टाइप का सोचना होता है, मतलब अलग अलग सोचना होता है। तो आप कीजिए या नहीं कीजिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वर्किंग प्लान कीजिए, लाइबिलिटीज फ्रीज, पैसे का कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो, टेंशन फ्री, डेली अर्निंग होता है सर इसमें, सैटरडे संडे कुछ भी नहीं होता है, डेली आता है। जैसे मैं ग्रीन ग्लोरी अभी कर रहा हूँ, ग्रीन ग्लोरी को प्रमोट कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ यहाँ पे है, बहुत ग्राउंड लेवल का लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं विदाउट टेंशन, विदाउट लाइबिलिटीज़। और सैटरडे संडे कुछ नहीं है इसमें, टीम बनाओ बस, लोगों को थोड़ा सा हेल्प करो, मोटिवेट करो, एडुकेट करो और अपना पैसा आप बनाओ चाहे जितना मर्जी। तो मेन चीज़ ये है कि आपको जो है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई आपका बहुत लॉस हो गया, आप वर्किंग प्लान में काम नहीं करना पसंद करते हो, मुझे पता है, मेरे को भी पहले पहले वर्किंग प्लान में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन जितना पैसा आप वर्किंग प्लान से बना सकते हो टीम बना के, उतना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करके बना नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान में मान के चलो 5 लाख भी लगाते हो, तो एक साल तो कोई ना अच्छा कंपनी एक साल में डबल दे देता है, ठीक है, देता भी नहीं है 80-90 टाइम पे, तो आपको एक साल में 10 लाख का अर्निंग होता है अगर कंपनी चले तो। लेकिन वर्किंग प्लान में 5-10 लाख तो दोस्तों आप 1-2 महीने में बना सकते हो, इतना पोटेंशियल रखता है। जैसे मैं अभी ग्रीन ग्लोरी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इनकम, डेली डोनेशन रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि लोगों के पास रेफरल नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, लाखों लोग होंगे और इस लाखों लोगों में से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिनको पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं इस सभी लोगों को बोलूँ भाई अभी चलो ग्रीन ग्लोरी ज्वाइन करो, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आपके साथ भी ऐसा ही होता रहा है कि आप प्रोग्राम देते हो, नहीं करते, एक दिन दो दिन लोगों के साथ बात करते हो, एक दिन दो दिन, एक महीना दो महीना लोगों के साथ व्हाट्सअप करते हो, बस वो नहीं करता है, आपका भी जो है जो पेशेंस वो जवाब देता है, दे देता है। तो उसके बाद आप सोचते हो नहीं भाई छोड़ देते हैं, इसमें क्या रखा है। लेकिन सर रेफरल आने में टाइम लगता है, जो भी नए नए लोग है या नए नए लोग इस इंडस्ट्री में रोज़ आ रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आता है। लेकिन आप प्रॉब्लम से दूर मत भागिए, मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, चाहे आप कोई भी वर्किंग प्लान कर रहे हो उसको दिल से करो, उसको मतलब डेली एक काम है, जैसे हम लोग मतलब 2 या 3 टाइम पे खाते हैं ना, ये हम चाहे जितना काम करें उतना तो हम लोग कर ही लेते हैं, इतना तो टाइम हम लोगों के पास रहता ही है कि खाने का। तो काम भी ऐसा ही करो कि एक रूटीन बना लो, भाई 2 घंटा डेली हमको देना है, ये पार्ट टाइम भी ले सकते हैं। मेरे बहुत सारा मित्र है जो कि एक मतलब 2-4 कंपनीज में काम कर रहे हैं वर्किंग प्लान में, पार्ट टाइम महीने का 2-4 लाख रुपीस कमा रहे हैं। अरे भाई पार्ट टाइम देके, आप और हम बोलते हैं कि भाई हम लोग तो फुल टाइम करते हैं, लेकिन सर फुल टाइम कोई नहीं करता है। फुल टाइम का मतलब क्या होता है पता है? फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आप सुबह घर से निकले, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आप घर से मतलब घर में एंट्री किए, और डेली मीटिंग्स, डेली लोगों के साथ बात, इतना करते हो क्या आप लोग? शायद ही नहीं, और करेंगे भी तो बहुत कम लोग। हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे कर दिए थोड़ा सा, व्हाट्सएप पे कर दिए थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद 1-2 गेट टुगेदर कर लिए, बस इतना ही। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको एफर्ट देंगे, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे शुरू में 2-4 महीने, उसके बाद जब आपका 10-12-13-14-15 लोग हो जाएंगे, उसके बाद आप नए मेंबर्स के पीछे मत भागिए। हमेशा हम लोग या मैक्सिमम लोग क्या करते हैं गलती कि आपको चाहे जैसे ग्रीन ग्लोरी 1-2-3-4-5-12 आदमी आपने दे दिए, उसके बाद क्या करते हैं कि और भी नए लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो नए लोगों के पीछे ना ढूंढ के जो 10 या 12 या जो भी आपने डायरेक्ट दिया है उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, उनके पीछे थोड़ा सा टाइम दो। अगर उनके पास लीड नहीं है तो उनको पूछो भाई क्या दिक्कत है, आपके पास लोग नहीं है क्या? ये हो सकता है कि आपके पास लोग नहीं है तो आपको बोलेंगे कि सर मेरे पास लोग तो है, जान पहचान तो बहुत लोग है, लेकिन उसको मैं प्लान समझा नहीं पा रहा हूँ या वो समझ नहीं है। तो आप अपने डाउनलाइन के डायरेक्ट डाउनलाइन के साथ जाइए, उनके साथ मीट कीजिए, एक दो बार सिर्फ अपने आप डाउनलाइन के साथ, अपने डायरेक्ट डाउनलाइन के साथ बैठेंगे, किसी को समझाएंगे और अपना डाउनलाइन जो है देखेगा कि भाई कैसे जो है प्रेजेंटेशन दिया जाता है। भाई पेन पेपर से ही होता है, हम लोग पेन पेपर से अभी भी वर्क करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है टीम बढ़ता है और बहुत फर्स्ट बढ़ता है सर, ठीक है।
और देखिए लाइफ में पैसा भी चाहिए, लाइफ में इज्जत भी चाहिए, ठीक है ना। और मैक्सिमम टाइप पे आपने देखे होंगे, आपके साथ भी हुआ होगा कि इन्वेस्टमेंट प्लान के चक्कर में रिलेशन ख़राब हो जाता है, ये बहुत बेकार चीज़ है। इसलिए मैं जब भी इन्वेस्टमेंट प्लान मैं करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, जब भी मुझे कोई कॉल करता है मैं उनको डायरेक्ट बोलता हूँ, भाई जितना आप गवा सकते हो उतना ही लगाओ, ठीक है। अगर आप उधार लेके कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं, अगर आप रिस्क नहीं जानते इस मार्केट के बारे में तो बिल्कुल नहीं, अगर आप जानते हो खिलाड़ी हो पैसा है आपके पास लगा दिया, या आप चाहते हो कि भाई मैं रिस्क लूँगा तो आप कर सकते हो, आपके लिए वेलकम है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं बताते हैं आपको, सब लोग जो है लालच दे देते हैं भाई इतना लगाओ इतना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका क्या गारंटी है, कोई नहीं है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोगों को, वर्किंग प्लान में काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वर्किंग प्लान में आपका टीम होगा, रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, और उस रिलेशन को आप बहुत दूर तक ले जा सकते हो। बहुत दूर तक अच्छा रिलेशन तो होगा ही होगा, साथ में बहुत इतना अच्छा पैसा होगा कि जैसे मैक्सिमम आपने बहुत सारा यूट्यूबर को देखा है, घूमते हैं फिरते अच्छे अच्छे होटल पे रहते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा गाड़ी लेके ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ये सब उन्होंने एक दिन में हासिल नहीं किया है सर, ठीक है। जैसे मैं भी जैसे घूम रहा हूँ आज यहाँ पे, मेरा 7-8 दिन का टूर है, तो यहाँ पे खर्चा बहुत होता है, लेकिन खर्चे का टेंशन लेता था, अभी नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, देखिए ये ईगो नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ जो है मैंने मेहनत करके कमाया है, तो आप भी कमा सकते हो, कंटिन्यू वर्क करो। जैसे हर एक काम आप दिन में कुछ भी काम तो करते हो आप, तो ये जो आप सिस्टम में या ग्रीन बॉडी में आप लोग काम कर रहे हो, इसको भी एक काम की नज़रिए से देखो, क्योंकि इससे आपको आउटपुट मिल रहा है, इससे आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको 1-2 घंटा, ज़्यादा नहीं 1-2 घंटा देंगे ना, बहुत काफ़ी है। और इस 1-2 घंटे में आपको क्या करना है तो मैं बता देता हूँ, अगर आप फिज़िकली प्रोग्राम नहीं कर रहे हो तो 1-2 घंटे में आपको फेसबुक पे लगना है, ग्रुप पे ज्वाइन करना है, फेसबुक ग्रुप बनाना है और लोगों को शेयर करना है। ये 1-2 घंटे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है मैक्सिमम लोगों से, 1-2 घंटे में डेली आपको बाई फ़ोन बात करना है, और ग्रुप बनाना है, ब्रॉडकास्ट बनाना है, और बाई फ़ोन समझाना है, और फॉलोअप भी लेना है, ठीक है ना। अगर आप ये जो मैं हल्के हल्के में बताया आपको 2-4 चीज़ करेंगे, डेफिनेटली आपको जो है 1-2 महीने में आपका टीम इतना बढ़ जाएगा कि आपको जो है आप खुद ही जो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि डाउनलाइन एक बार अच्छा डाउनलाइन बन जाता है तो आपको पैसा आता ही है सर, ओके। तो ये जो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारा मित्र मेरा वहाँ पे वेट भी कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग आए घूमने, तो बेसिकली मैंने सोचा चलो आप लोगों को एक वीडियो देता हूँ, बहुत दिन से वीडियो नहीं मैं बना पाया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हार मत मानिए, काम करते रहिए। और एक चीज़ बताऊँ, बहुत लोग इस वीडियो का भी मतलब जो है गलत ले लेते हैं कि भाई ये तो बहुत कुछ बोलता है, ये ऐसा वैसा बहुत कुछ। तो भाई जिनको भाई पैसे की ज़रूरत नहीं है वो MLM को छोड़ दो, सीरियसली। और मुझे पता है कि आप लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। तो अगर आप काम कर रहे हो तो दिल लगा के करो, ऐसे बस जुड़ गए पैसा लगा दिया आपने, ये कोई ROI वेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ पे आप पैसा लगाओगे और आपको डेली का ROI मिलता रहेगा, तो ऐसा कोई भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके ही जो है पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो और देखिए ज़िंदगी में एक ही ज़िंदगी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस एक ही ज़िंदगी में सब कुछ करना है, एवरीथिंग, सब मज़ा लेना है लाइफ का, ठीक है, घूमना है फिरना है सब कुछ, जो भी आपका ड्रीम्स है, आपका फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या आपको फैमिली को भी इंजॉय कराना है, बहुत सारा इशू है, घर का खर्चा वगैरह होता है, फैमिली एक्सपेंसेस है, पढ़ाई वढ़ाई है, और घर में मतलब शादी वादी भी होता है, एडुकेशन खर्चा होता है, फिर आपका मेडिकल इमरजेंसी भी होता है, तो बहुत जगह पे सर बहुत पैसा लगता है। मतलब कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त का कुछ हुआ था, मैं नर्सिंग होम में गया था सर, क्या बताऊँ, 7 दिन के अंदर लगभग 15 लाख खर्चा हुआ, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया भाई, यहाँ पे 15 लाख बनाने में कितना टाइम लगता है, और 7 दिन के अंदर 10-15 लाख तो कुछ भी नहीं है, आप पता है आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि अभी हम लोग के पास टाइम है, क्योंकि गॉड के ब्लेस से तबीयत ठीक है, आप सुस्त हो,
आप फिट हो, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि गॉड ने हमको जो है सही अभी तबीयत दिया है, ठीक है। और तो आप जो है अभी इस चीज़ को समझ के, इस नीड को समझ के एक दो महीना पूरा हार्डवर्क कीजिए, पूरा स्मार्ट वर्क कीजिए। उसके बाद जब आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं जाता है, तो एक बार आपके पास अगर टीम हो गया, धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो गया, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपका टीम या आप दौड़ेंगे, क्योंकि पैसा है इस फील्ड में बहुत तगड़ा, ठीक है। लोग कमा रहे, लोग छाप रहे हैं पैसा, और कुछ लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ कमेंट के नीचे मतलब फालतू सा कमेंट लिख देते हैं। तो फालतू लोगों के लिए कोई भी बात नहीं कहना है मुझे, और ना ही मेरे पास उतना टाइम है कि भाई उसका कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूं। तो बाकी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा आदमी ही जो है आपको आगे ले जा सकता है, ठीक है। ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको फाइंड करना है कि आपके जीवन में अपना आपका आइडियल कौन है, ठीक है। तो एक चीज़ बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। देखिए दोस्तों, बिज़नेस करना, किसी एक ने कहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है किसने कहा था ये चीज़, तो लेकिन मैंने बहुत सोचा और समझा भी इस चीज़ को, और मैं फॉलो भी करता हूँ, इसलिए शायद कुछ प्रोग्रेस हुआ मेरे जीवन में। तो देखिए, एक आदमी ने कहा था, मुझे पता नहीं कौन, नाम नहीं याद आ रहा है, कि अमीर होने का सीक्रेट बहुत ईजी है। तो अरे भाई, इतना ईजी है क्या? तो उसने क्या कहा था कि भाई, अमीर होने का सीक्रेट यही है कि जो लोग आज के डेट पे अमीर है उनको सिर्फ फॉलो करो, वो जो कर रहा है वो काम, वो आप देखो, स्टडी करो उसको, वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो बस आप उनको देखो, सीखते रहो, और वही चीज़, सेम चीज़ जो है आपको आपके जीवन में अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो बस, और मैंने भी यही किया है बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि मैं ऑनलाइन का फील्ड की बात ही कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को देखता और उसके बहुत वीडियोस में तो अभी भी देखता हूँ। अभी 17-20 मिनट हो गया है, तो मैं तो 30 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो मैं फुल देखता हूँ कि भाई क्या कह रहा है। ऐसा हो सकता है कि भाई पूरा आधा घंटा या पूरा 1 घंटा के वीडियो में 2 ऐसे लाइन वो बोल दे कि भाई उसको कैप्चर करके मेरे ज़िंदगी में मैं कुछ डेवलप करूँ। तो ऐसा ऐसा मैं अभी भी करता हूँ, और मैं अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करता हूँ और नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, और ये आपको भी करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को ना लंबा करते हुए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, भाई का मोटिवेशन जो है बनता रहता है, तभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव फन।